हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रिडिक्शन मास्टर में, जहां आज मैं आपको बताऊंगा मॉन्ट्रियल टाइगर्स और वेस्ट इंडीज बी के बीच में होने वाला कनाडा T20 लीग का 16वां मैच, जो कि किंग्स सिटी में खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस मैच का मैं आपको प्लेइंग 11 और ड्रीम 11 टीम बताऊंगा। तो इससे पहले कि मैं आपको प्लेइंग 11 और ड्रीम 11 टीम बताऊं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, कुछ ही देर में मैं टोरंटो और वैंकूवर नाइट्स का जो वीडियो है उसके भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लेना। तो आइए पहले बात करते हैं मॉन्ट्रियल टाइगर्स और वेस्ट इंडीज बी की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। तो बात करें फ्रेंड्स, सबसे पहले मॉन्ट्रियल टाइगर्स जो कि सबसे पॉइंट टेबल में सबसे नीचे बनी हुई है, तो हर हाल में इस मैच को जीतने की कोशिश करेगी। तो सुनील नारायण ओपन करते हुए नजर आएंगे आपको ड्वेन स्मिथ के साथ, फिर जॉर्ज वर्कर, मोइजेज हेनरी के, सिकंदर रजा, नजीबुल्लाह जादरान, दिनेश रामदीन, किवॉन कूपर, पीटर सीडल, लासित मलिंगा और संदीप लामिचाने। तो फ्रेंड्स, ये मेरे हिसाब से रहने वाली है प्लेइंग 11 मॉन्ट्रियल टाइगर्स की। अब बात करें वेस्ट इंडीज बी की प्रोबेबल 11 की, जो कि इनके मेन ऑलराउंडर थे जस्टिन ग्रेव्स, शायद उनको पिछले मैच में रेस्ट दिया गया था क्योंकि कैप्टन ने जब पिछले बार टॉस हुआ था तो कुछ रीजन नहीं दिया था कि इंजर्ड हैं या क्या किया गया, तो मेरे हिसाब से रेस्ट ही दिया होगा क्योंकि चार में से चार मैच जीत चुकी थी वेस्ट इंडीज बी की टीम और पॉइंट्स टेबल में सबसे टॉप पे थी। तो एक मैच में रेस्ट देकर अलिक अथानेज को उन्होंने मौका दिया, लेकिन उन्होंने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। तो उम्मीद है कि इस मैच में जस्टिन ग्रेव्स आ सकते हैं, तकरीबन 70% चांस है कि आ सकते हैं। मेरा मानना यही है कि उनको इस मैच में खेलना चाहिए और मौका भी मिलेगा। तो जस्टिन ग्रेव्स आपको ओपन करते हुए फिर से देख सकते हैं, उसके बाद शर्फेन रदरफोर्ड, फिर ब्रैंडन किंग, निकोलस पूरन, एंथोनी ब्रैम्बल, समर स्प्रिंगर, फैबियन एलन, डरवाल ग्रीन, कावेम हॉज, और फ्रेंड्स यहां से जर्मिया लुइस की वापसी हो सकती है फिर से टीम में, थोड़े से रिस्क की ज़रूर है। उसके बाद खैरी पेरी और ओबेड मकोए। तो फ्रेंड्स, ये रहने वाली है वेस्ट इंडीज बी की प्रोबेबल 11। जो रिस्की प्लेयर हैं बता दूं फ्रेंड्स कि जस्टिन ग्रेव्स और अलीक अथानेज में से कोई एक से खेल सकते हैं, वहीं जर्मिया लुइस भी थोड़े से रिस्की हैं। तो ये दोनों रिस्की ज़रूर हैं, लेकिन आप जस्टिन ग्रेव्स को ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये तो गई फ्रेंड्स ड्रीम प्लेइंग 11। अब आइए बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। फ्रेंड्स, मैंने टीम ऑलरेडी एक बना रखा है, आइए देख लेते हैं। आपके पास विकेट कीपर में दो ऑप्शन है, एंथोनी ब्रैम्बल और दिनेश रामदीन, दोनों की लगभग बैटिंग जो पोजीशन है वो सेम है, तो आप दोनों में से किसी को रख सकते हैं। मैंने टीम बैलेंस करने के लिए एंथोनी ब्रैम्बल को रख लिया, आप दिनेश रामदीन को भी रख सकते हैं। भाई बैट्समैन की बात करें तो मैंने चार बैट्समैन, ब्रैंडन किंग, मोइजेज हेनरिकस, फैबियन एलन। फ्रेंड्स, यहाँ से आप फैबियन एलन को हटाकर या तो आप निकोलस पूरन को भी रख सकते हैं। उसके बाद आप मैंने ड्वेन स्मिथ, ये चार बैट्समैन को रख लिया। आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है बता दूं, फैबियन एलन, सिकंदर रजा, समर स्प्रिंगर और नजीबुल्ला जादरान, तो ये कुछ ऑप्शन है जिनको आप अपनी टीम में एज ए बैट्समैन रख सकते हैं। बात करें ऑलराउंडर्स की तो मैंने तीन ऑलराउंडर, सुनील नारायण, शर्फेन रदरफोर्ड और जॉर्ज वर्कर, ये तीन को मैंने पिक कराया। जस्टिन ग्रेव्स को मैं एक सेफ टीम बनाने की कोशिश किया हूँ स्मॉल लीग के लिए। अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तो ज़रूर जस्टिन ग्रेव्स को रखें, क्योंकि देख सकते हैं पिछला मैच नहीं खेले थे फिर भी 61% लोगों ने रखा हुआ है, उम्मीद है कि इस मैच में खेलेंगे। तो अगर आप रखना चाहते हैं तो यहाँ से जॉर्ज वॉकर या शर्फेन रदरफोर्ड को हटाकर आप जस्टिन ग्रेव्स के साथ जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा रिस्क की ज़रूर है, लेकिन आपको ग्रैंड लीग में रिस्क लेना पड़ेगा अगर लेना चाहते हैं तो। ये आपको बहुत, अगर खेल लिए तो बहुत सारे पॉइंट्स दे सकते हैं आपको ड्रीम 11 में। तो आप जस्टिन ग्रेव्स को रख सकते हैं ग्रैंड लीग में, फिर कैवेम हॉज ये भी ऑप्शन है, आप इनको भी अपनी टीम में रख सकते हैं। वहीं बात करें बॉलर्स की तो मैंने तीन बॉलर, लसित मलिंगा, डरवाल ग्रीन और हैरी पियरे, ये तीन को मैंने पिक करा है। आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है ओबेड मोके, पीटर सीडल, संदीप लामिचाने, ये तीन बेस्ट ऑप्शन है, आप इन तीनों को रख सकते हैं। वहीं केवॉन कूपर भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई बॉलर्स की बात। अब आइए बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो कैप्टन मैंने सुनील नारायण को बना दिया, जो कि ओपन कर रहे हैं और चार ओवर बॉलिंग भी करेंगे। हालांकि अभी तक कुछ खास बैटिंग से इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन दिन कब चल जाए, बल्ला कब चल जाए कोई नहीं जानता, इसलिए मैंने कैप्टन बना दिया। और वाइस कैप्टन शर्फेन रदरफोर्ड को, जो कि ओपन करते हैं। आपके पास फ्रेंड जो दूसरे चॉइस हैं बता दूँ, मोइजेज हेनरिकस एक अच्छे चॉइस हैं, आप इनको कैप्टन बना सकते हैं। और यहाँ से जॉर्ज वर्कर को वाइस कैप्टन,
तो और भी ऑप्शन है आपके पास, या तो फिर ड्वेन स्मिथ जैसे कि ओपन करते हैं तो आप इनको और ब्रेंडन किंग को भी बना सकते हैं, लेकिन जो आज के मेरे रहेंगे कैप्टन सुनील नारायण और वाइस कैप्टन सरफेन रदरफोर्ड। फ्रेंड्स ग्रैंड लीग के लिए आपके पास मैं बता दूं कि आप जस्टिन ग्रेव्स को ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई कर लें एक बार। और ये तो हो गई फ्रेंड्स, और बॉलिंग में आपके पास संदीप लामिचाने जैसे बेहतरीन ऑप्शन है, आप उनको अपनी टीम में रख सकते हैं। भाई ये बात करते हैं एक बार प्रीव्यू देख ले, ए ब्रैम्बल, ब्रेंडन किंग, हेनरिकस, स्मिथ, पूरन, नारायण, रदरफोर्ड, वर्कर, ग्रीन, पियरी और लासित मलिंगा। तो फ्रेंड्स ये है आज की मेरी ड्रीम इलेवन टीम। जरूरी नहीं जो मैं टीम बनाया उसे आप जीते ही, तो अगर एक दो चेंजेस करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लें, और कैप्टन और वाइस कैप्टन फ्रेंड्स खुद की चॉइस से रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।